तो दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले जुबिलेंट फूडवर्क कंपनी के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अगेन ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट, और उसी के साथ आज वापस से काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक शार्प गिरावट और एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी चलती हुई देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स की, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर भी हमने आपको यहाँ पर एशियन पेंट्स की तरह ही मेंशन करके बताया था कि अगर ये काउंटर 650 के नीचे निकलता है तो ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं आपको 560-550 तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। बीच में 620 रुपीज़ के अराउंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था, ब्रेकडाउन आ गया। उसके बाद 600 के राउंड नंबर्स से रिवर्सल के चांसेस बनते थे, बट मार्केट नेगेटिव था, उसको भी ब्रेक कर दिया। एंड अब ये काउंटर 560 के लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 560 को भी ब्रेक कर दिया तो फर्दर सेलिंग आपको 520 से लेकर 500 रुपीज़ तक की भी देखने को मिलेगी। तो जुबिलेंट फूडवर्क के लिए अब एक ही चीज़ सेवियर बन सकती है, और वो है कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट जो स्टिल पेंडिंग है। देखना है कि नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद ही कोई मेजर रिकवरी देखने को मिलेगी।